खबर शूटी लाइव, आपकी खबर तेजस सर। सोनभद्र में पंचायत चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। जिले में 629 ग्राम पंचायतों के लिए 842 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 12 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर भले ही विरोध के स्वर फूट रहे थे, लेकिन जिस तरह से पूरे जनपद से तस्वीरें सामने आ रही हैं, यह कहा जा सकता है कि कोरोना पर बैलेट भारी पड़ गया। लोग सुबह से ही घरों से निकलकर लाइनों में लगकर मतदान कर रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान का जो नारा दिया जाता है वह यहाँ साफ नजर आ रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग पूरे जनपद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सभी जगह अमूमन यही देखने को मिल रहा है कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। लोग जमकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर बूथों पर पहुंची हैं, जिनके चेहरे पर मास्क तक नहीं है। सुरक्षा की बात करें तो पुलिस कर्मी जरूर लगाए हैं, लेकिन कई केंद्रों पर महिला सुरक्षा कर्मी न होने से महिलाओं को रोक पाने में पुरुष सुरक्षा कर्मी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की हो रही लगातार मौतों से सुरक्षा कर्मी भी सकते में हैं। हमारे यूपी लाइव के कैमरे पर सुरक्षा कर्मी ने साफ तौर पर बताया कि कोई मानने को तैयार नहीं है, हम बेबस हैं। हमारे यूपी लाइव ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। ये सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं पालन हो पा रहा? अब पब्लिक है, अब लाइन पे लगाई है, कोई मानने पाने रहे, ज्यादा कम है। नहीं, पालन करा रहे हैं लोग। ये हुआ कि सब जल्दी है और जगह कम है यहाँ पे, तो आप बारी बारी से लोगों को अंदर करिए। भाई मैं देखता हूँ, थोड़ी नहीं, नहीं, नहीं। आप ये देखिए ना, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे किस तरह से ये जो दो गज की दूरी क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही है। सरकार सीधा तौर पे कह रही है, मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं टीवी पर, क्यों पूरा नहीं हो पा रहा सर? अब जनता है, बच्चे हैं, आ गए हैं, औरतें हैं, उनको माने को मना करने पर नहीं मानते हैं, काफी उनके साथ हम लोग, महिला तो है नहीं कि उसको पकड़ करके इधर उधर किया जाए। देखिए, पंचायत चुनाव के आखिरी चरण का मतदान आज सोनभद्र में चल रहा है और जिस तरीके से मतदान केंद्रों पे मतदाता इकट्ठा हो रहे हैं और वोट डालने के लिए अग्रेसिव हैं, उसको देखते हुए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज वहां पे खड़े प्रशासन को। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है, उसकी साफ तौर पर धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। प्रशासन भी लाचार है, ये कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को ये कहने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खबर यूपी लाइव, नवल बाजपेयी, सोनभद्र।